प्रेज लॉर्ड सभी को, सभी गुड मॉर्निंग। और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज की प्रार्थना के लिए। और आज का जो विषय है मेरे जी, तो इस विषय को, इस संदेश को जब आप सुनोगे, विश्वास करना कि आपके जीवन का अंधकार अंधकार यानी कि अंधेरा दूर हो जाएगा जब आप ये काम करोगे और इस वचन को पूरा सुनोगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, जो तूने वचन दिया मैं वही वचन दे रहा हूँ पिता। सुनने में सहायता मदद करना, बोलने में दिमाग नहीं तेरी आत्मा की जरूरत है पिता। और सुनने में जो पिता कान सुना जाए और दिल से विश्वास किया जाए, ताकि उनके जीवन में जो अंधकार है वह दूर हो जाए। अब यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी भी अंधकार में क्यों ना हो आज, आज आप चाहे वो महामारी का अंधकार क्यों ना हो, डर का अंधकार है ना, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े का अंधकार हो या बुरी आत्मा का अंधकार हो या पाप का अंधकार हो, यानी कि आपके जीवन में जो भी अंधकार है वो आज दूर होगा और आप खुद उसे दूर करोगे इस वचन के द्वारा। क्या बताने जा रहा है प्रभु, क्या आज का संदेश आपके लिए है, क्या है आज के इस डेट के हिसाब से जो प्रभु ने आज के दिन में जो हमने दिया नाइट प्रेयर में करा था, है ना, और आपको क्या बोलना चाह रहा है आज, उसका वादा क्या है आज, उसका वादा आपके लिए है कि आज आपको वो अंधकार से हटाएगा। निकालना मेरे साथ यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 12वां पद। यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 12वां पद है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, प्रभु उनको ब्लेस करें, क्योंकि जब आप समय देते हो प्रभु को, जब आप समय देते हो, जब इस चैनल पे आके देखते हो, यकीन मानना आप ब्लेसिंग कमा रहे हो, ब्लेसिंग रख रहे हो अपने परिवार अपने घर के लिए, आमीन। जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाओगे वैसे प्रभु आपको और उन्नति करता चले जाएगा। आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना चलती रहेगी, इसलिए आप ये ना सोचें कि हम प्रार्थना नहीं कर रहे, ठीक है। आने वाला हफ्ता जो आने वाला है वो बहुत ही बहुमूल्य है आप हम सबके लिए, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका काम है, ठीक है। बाकी काम प्रभु आपको ब्लेसिंग करके करेगा, ठीक है। तो वचन में जाएंगे और मेरे 2 चलन हैं जो प्रभु की अगुवाई में, यीशु जगह सभा, जो इसमें आप हो नहीं हो तो मैं डिस्कवरी में इसका लिंक डाल दूंगा और उस चलन का, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे जरूर करें क्योंकि ये प्रभु की आत्मिक उन्नति के लिए, जो आप में जो आत्मिक उन्नति बढ़ना चाहता है, ठीक है। हर एक चैनल का एक अलग महत्व है, क्योंकि प्रचार और प्रभु का ज्ञान कहीं से भी आपको इस अंधकार से निकाल सकता है, आमीन। तो इसलिए प्रभु में बने रहें। तो मेरे साथ निकालना यूहन्ना 8 उसका 12वां पद, ठीक है। 12वां पद यूहन्ना 8 उसका 12वां पद क्या कहता है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए जो आज प्रभु ने मेरी, मुझे और आपको दिया है। यकीन मानना आज इस वचन को जो सुनेगा वो गारंटी है पूरी कि वह अंधकार में से बाहर आ जाएगा और ज्योति में आ जाएगा, क्योंकि प्रभु कुछ कह रहा है हमें और आपके लिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यीशु ने फिर लोगों से कहा, फिर कहा, पहले कह चुका होगा प्रभु यीशु मसीह, नहीं सुनोगे, फिर कहा, क्या कहा लोगों से, यानी कि लोगों से मतलब हम और आप, है ना, इस समय हम और आप तो सुन रहे हो, जगत की ज्योति मैं हूँ। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, है ना, ये 3 मिनट 9 मिनट की ज्योति नहीं, प्रभु हमारे लिए जगत की ज्योति है, हमेशा की ज्योति है ना। और लिखा है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। अब क्वेश्चन मार्क आता है, जो प्रभु के पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, कौन सा अंधकार के लिए प्रभु बात कर रहा है, कौन से अंधकार के लिए परमेश्वर पिता हमसे बात कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। पहली बात, किसके पीछे होना है हमें, जो मेरे पीछे होना है, कौन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्या कह रहा है, जो मेरे पीछे हो लेगा, यानी कि जो मेरा कहना मानेगा, जो मेरी आज्ञा को मानेगा वो अंधकार में ना चलेगा, आज अंधकार से दूर होगा। देखिए, आपको एक बात पूछनी है, क्या आप किसके पीछे चल रहे हो, किसके पीछे चल रहे हो। आप कहोगे मैं तो प्रभु यीशु मसीह पे चल रहा हूँ, अच्छी बात है, आप प्रभु के पीछे चल रहे हो मेरी बहन मेरी भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन का जवाब दिया आपने। लेकिन कितना, क्या संडे को चर्च जाके 3 घंटे प्रभु के पीछे, बाकी 6 घंटे पाप में या सांसारिक बातों में, या दिन के 22 घंटे प्रभु में, 2 घंटे पाप में, 2 मिनट भी पाप की नहीं, क्या 2 सेकंड भी पाप की जगह नहीं। अगर हम प्रभु में चल रहे हैं तो हमारे जीवन में पाप नहीं आना चाहिए, अपने आप अंधकार दूर हो जाएगा। लेकिन आप हमसे अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि मैं किसके पीछे चल रहा हूँ, कहीं मैं किसी क्रोध के पीछे तो नहीं चल रहा, किसी गाली के पीछे नहीं चल रहा, किसी लड़की छेड़ने के पीछे नहीं चल रहा, किसी स्त्री के पीछे नहीं चल रहा, किसी विवेचन के पीछे नहीं चल रहा,
हो सकता है मैं संडे को जाके हेलुले बोल रहा हूँ, ताली बजा रहा हूँ, है ना, और नाच रहा हूँ गा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद हो सकता है मैं आत्मिक जीवन में फेल हो गया हूँ, आत्मिक जीवन फेल हो गई। हो सकता है मेरा बॉयफ्रेंड मिसे मैं उसके पीछे ज़्यादा चल रही हूँ, हो सकता है मेरा गर्लफ्रेंड है मैं उसके ज़्यादा चल रहा हूँ, प्रभु का पूरा समय दे रहा हूँ लेकिन सारा समय उसको भी दे रहा हूँ। नहीं मेरा जीजू, फिर आप प्रभु के पीछे नहीं हो। वचन कहता है जो प्रभु के पीछे होगा वही चलेगा, वही अंधकार में बचाया जाएगा। हम और आप एक गौर करके देखिए कि वाकई में संडे संडे मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, 6 दिन तो मैं कहीं स्टाफ में जहाँ काम करता हूँ वहाँ एक लेडीज़ के चक्कर पे तो नहीं हूँ, कहीं जहाँ मैं ठेके पे जाता हूँ वहाँ ठेके के चक्कर पे तो नहीं हूँ, कहीं सिगरेट के पीछे तो नहीं जा रहा मैं किसके पीछे हूँ आज? लेकिन आज अगर अब वाकई में प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो मेरे जी, तो आज ही आपके जीवन में अंधकार दूर होगा। मैं अंधकार के पीछे जा, मैं अफेयर के पीछे जा, मैं लड़कीबाजी के पीछे था, मैं बिल फिल्म के पीछे था, तो क्या हो गया? मैं उसके पीछे चल रहा था तो मैं खाई में जा रहा था, जैसे ही प्रभु ने मेरे पकड़ा तो मैं ज्योति में आ गया, अंधकार हट गया, ज्योति में आ गया। मेरे अजीज, जो अंधकार 24 घंटे बना रहता है, प्रभु यीशु मसीह है जो उसे दूर करते हैं, यानी कि उजाला ही अंधकार को दूर कर सकता है। आप प्रभु से हटे, प्रभु यीशु मसीह के वचन से हटे, अंधकार ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। और जब अंधकार कब्जा करता है तो ऐसा नहीं रहता इंसान जैसे हम सोच रहे, अरे अंधकार है तो क्या हो गया, मौज मस्ती करो, पाप करो, क्या देख रहा है। अंधकार के बाद जो आपके घरों में, जो सबके घरों में लड़ाई झगड़ा आता है, कलेश होता है, बीमारी आती है, दुष्ट आत्माएं आती है, कर्जा आता है ना, मृत्यु आती है, कौन सी, जो जिसका सर पैर नहीं होता, एक के बाद एक, है ना, पाप की मजदूरी मौत, मौत है, साफ कहता है वचन, है ना। और डर आता है, पाप आता है, लड़के बिगड़ गए, लड़के बिगड़ गए, क्यों? क्योंकि प्रभु से हटके हमने अंधकार को गले लगाया तो अंधकार ने हमें निगल लिया। आज आप अंधकार से हटोगे जब आप ज्योति में आओगे। आज आपको वादा करना कि प्रभु मैं, तू मेरी ज्योति है, मैं तेरे में चलूंगा, तेरे में चलूंगी, और सांसारिक बातों को खत्म करना है। ठीक है, क्या लिखा है? जो मेरे पीछे हो लेगा वह ज्योत वह उस वह अंधकार में ना चलेगा। वाकई में जो प्रभु की ज्योति में जाकर अंधकार कहाँ से आएगा उसके पास? हम प्रभु में है तो अंधकार आ ही नहीं सकता। क्या अंधकार और ज्योति मेल हो सकता है? मेरे अजीज, तो अंधकार बनाया नहीं जाता, अंधकार ऑटोमेटिकली है। क्या अंधकार की कोई टॉर्च है? प्रभु लाइट के लिए टॉर्च बनाई जाती है, बल्ब बनाया जाता है, कभी अंधकार के लिए बनाया गया बल्ब, है ना, कि इससे अंधकार प्रकाश होगा? नहीं ना, अंधकार को प्रकट करना है, लाइट बंद कर दो अंधकार आ जाएगा, सूरज को ढक दो अंधकार आ जाएगा। जब सूरज पे पृथ्वी की छाया पड़ती है जिसे ग्रहण कहते हैं, तो अंधकार दिन में भी आ जाता है, यानी कि अंधकार बना है, सिर्फ सूरज के प्रकाश के द्वारा अंधकार हटाया गया है। उसी प्रकार से हमारी लाइफ में अंधकार बना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, इसलिए वो अंधकार है हट गया है। आज हम गौर करें कि जब हम पुराने जीवन में जी रहे थे तो कितना अंधकार था, पाप का अंधकार, वेश्या गति का अंधकार, व्यभिचार का अंधकार, पुरुषगामी का अंधकार, और समुद्रित का अंधकार, है ना, जुए का अंधकार। आज प्रभु में हम है तो सब चला गया है। लेकिन अगर आज भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पाप है, झूठ का अंधकार है, तो यानी कि आप प्रभु के पीछे नहीं हो, अब उस अभी भी अंधकार के पीछे हो। मेरे से छोटा सा अंधकार पूरी जिंदगी को आपको कवर कर लेगा, और फिर पाप की मजदूरी मृत्यु है, जीते जी मृत्यु आ जाएगी। क्यों? ना कर्जा उतरेगा, ना बीमारी जाएगी, ना तकलीफ जाएगी। जब हम अंधकार में गए तो कैसे जाएगी? कुछ दिखेगा नहीं, और गलती भी गलती होती चली जाएगी, है ना, गलती भी गलती हो जाएगी। यहाँ कि प्रभु कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। आज हम गौर करेंगे कि वाकई में हम संडे संडे तो फॉर्मेलिटी निभा के नहीं आते प्रभु के भवन में, है ना। संडे संडे 4 घंटे ताली बजा ली, हालेलुया बोल लिया, नाच गा लिए, है ना, प्रातः भवन अटेंड कर लिया प्रभु का, अब हमारा काम खत्म, बोझ खत्म, अब मैं अपनी लाइफ, भैया प्रेम भी तो करना है किसी के साथ, है ना, अफेयर भी तो करना है, पाप भी तो करना है, गाने भी तो गाने फिल्मी, यानी कि अंधकार में तो चलना है। नहीं मेरे जी, तो वन साइड हो जाओ तभी इस कर्जे से परेशानी से निकल पाओगे। वन साइड हो जाओ, प्रभु के हो जाओ टोटल, तभी अंधकार जाएगा। एक किस्सा जो हमारे अजीज पाशा जी अनिकांत जी का है, उनको मैं आपको ले सुनाता हूँ। गुफा और सूरज की बात होती है, गुफा और सूरज की बात होती है। गुफा कहती है, सूरज तू बहुत धन्य है कि तू उजाला देखता है, पृथ्वी देखता है, सब कुछ देख रहा है, क्योंकि तू उजाले में, मैं अंधकार में हूँ, मैं कुछ नहीं देखती, क्या मैं कभी रोशनी में आ सकती हूँ? सूरज कहता है तू आ एक दिन। गुफा से कहता है तू ऊपर आ, मैं तुझे रोशनी दिखाऊंगा। वो कहते ठीक है मैं ऊपर आती हूँ। गुफा ऊपर आती है, ठीक है, ऊपर आती है, वो रोशनी देखती है, सूरज की किरणें देखती है, रोशनी में सब कुछ देखती है, वो गदगद हो जाती है, वो बहुत खुशी हो जाती है कि वाकई में तू धन्य है, तेरे लोग और तेरे तू अपने लोगों को प्रकाश देता है, हरा, और लोग देखते हैं तो तू वाकई में, कि सूरज अब एक काम और कर, तू मेरे घर में भी चल। गुफा कह रही है सूरज से, तो मेरे घर में भी चल और मैं देख मैं कहाँ अंधकार में हूँ, देख कैसे अंधकार में रहती हूँ, देख मेरे साथ क्या हो रहा है।
सूर्य कहता कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ चलता हूँ, जब तू मेरे साथ कहने पे आई तो मैं तेरे अंधकार में चलता हूँ। जैसे सूरज उसके गुफा में आता है, अंधकार खत्म हो जाता है। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ज्योति बन के आएंगे, अंधकार ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। आज अंधकार का अंत मेरे जैसे हो, आपको वादा करना है, लेकिन आपको प्रतिज्ञा करनी है कि नहीं है, कुछ भी हो जाए मैं उन कामों को त्यागूंगा, त्यागूंगी जो मैंने अंधकार में करे है, अब मैं ज्योति में नहीं करूंगी। मैं प्रभु यीशु में संतान हूं, मैं प्रभु में यीशु में बढ़ना चाहती हूं, मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं। आपको प्रभु में बढ़ना है, आपको अंधकार दूर करना है मेरे भाई मेरी बहनों, तो अपने उन अंधकार के पापों को, उन कामों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जब प्रभु मुझे बदल सकता है इतने बड़े गुनहगार को, तो आपको क्यों ना बदलेगा। आइए प्रार्थना में जाएंगे, ठीक है, आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता इस सुबह के लिए प्रभु जी पिता, और इस वचन के द्वारा आशीष उभर करते पिता, जिनके कानों में वचन जाता है प्रभु, कान तक सीमित ना रहे पिता, कानों से सुनकर हृदय में वचन, ये वचन बस जाए, ये संदेश बस जाए मेरे राजा। और जब हृदय में बस जाए तो ज्योति जो आप हो वो पिता परमेश्वर कानों से पिता के जीवन में प्रवेश कर जाए, हृदय में प्रवेश कर जाए। और अंधकार में जो है ये, चाहे पाप का अंधकार हो, चाहे पिता बुरी आदत का अंधकार हो, चाहे पिता परमेश्वर कर्जे का अंधकार हो, चाहे पिता परमेश्वर बुरी आत्मा का अधिकार हो, चाहे पाप का अधिकार हो, चाहे किसी आर्थिक तंगी का अधिकार हो, चाहे शादी ना होने का अधिकार हो, चाहे पिता गलत संबंध का अधिकार हो, चाहे बुरी शक्तियों का अधिकार हो, बुरे रिश्तों का अधिकार हो, और बुरे नशों का अधिकार हो, किसी का अधिकार हो, वो आज इस वचन के द्वारा आज़ाद हो जाए मेरे स्वामी, बीमारी से आज़ाद हो जाए। हाँ मेरे पिता, आज इस वचन के द्वारा इनको झंझोड़ दे पिता। आज भी ज्योति के होने के बाद भी ये अंधकार में चल रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे कोई बुरी आदत, नहीं छोड़ पा रहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, नहीं छोड़ पा रहे अवैध संबंध, नहीं छोड़ पा रहे गंदी मूवी दिखना, नहीं छोड़ पा रहे नशे पर आदत को, नहीं छोड़ पा गाली देना। तो प्रभु जी आज ज्योति प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आ, और आज इन सबसे आजाद हो जाए पिता। आपको कोरोना वायरस का भी अंधकार दूर करना है, हाँ मेरे पिता, धरती अंधकार में है, इसे दूर करना है स्वामी। ये जब सब लोग ज्योति में आएंगे तो अंधकार होगा। आप ज्योति 9 मिनट वाली नहीं हो, आप प्रभु परमेश्वर हो, जगत की ज्योति हो, हमेशा काल की ज्योति हो, सूरज से बढ़कर हो आप। और जब आप हमारे जीवन प्रवेश करेंगे, हमारे जीवन अंधकार से बदल के ज्योति में आ जाएगा। हाँ मेरे पिता, इस वचन के द्वारा आशीष दे, प्रार्थना के द्वारा आशीष दे। आज जिन्होंने प्रार्थना सुनी है, आज उनके जीवन में अंधकार हटेगा ही हटेगा, हटेगा ही हटेगा, और ज्योति आएगी, और ये पूरा घराना उद्धार पाएगा, और खुशेगा, खुश होगा, नाचेगा, गाएगा, आनंद करेगा, क्योंकि आपने अंधकार से हटा के ज्योति में कराया। आज अंधकार का अंत हुआ, ज्योति की शुरुआत हुई। पिता तूने मेरी प्रार्थना सुनी, इन सभी के जीवन में अद्भुत काम करा, बता धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना सुने, कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, मुबारक हो। आज आपने ज्योति में कदम रखा है, ज्योति को आप एक्सेप्ट किया है, प्रभु में मरना चाहते हो, इस संदेश को सुनो, और वो जो प्रभु वचन में कहा है वो काम करो। प्रभु आपको आशीष दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपकी इच्छा मेरी नहीं, ताकि हर एक वीडियो प्रार्थना की आप तक पहुँचे। जय मसीह की।